दोस्तों भारत एक दुनिया में उभरता हुआ सितारा है, जिसमें कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जिनका प्राचीन काल से लेकर कुछ समय पहले नाम तक नहीं था, परंतु आज अपनी आधुनिक ढांचे तथा तरक्की के कारण पूरे विश्व भर में एक जगमगाते हुए सितारे के रूप में उभरने लगे है। दोस्तों हम उस सितारे की बात करने जा रहे जो कि हरियाणा एवं भारत के औद्योगिक क्षेत्र का एक आधुनिक तरक्की करने वाला कभी छोटा सा गांव हुआ करता था, जो आज एक औद्योगिक शहर के रूप में बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें भारत के सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले शहर गुड़गांव के एक छोटे से हिस्से मानेसर के बारे में। दोस्तों मानेसर एक तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक शहर है, साथ ही दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का एक हिस्सा भी है। साथ ही यह एक साधारण गांव से भारत के एक सर्वाधिक तेजी से उभरते हुए टाउनशिप में परिवर्तित हो चुका है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यह NCR से एक शीघ्र जुड़ने वाला क्षेत्र है, जो कि कुछ विकास गांव ने मानेसर के साथ में नया उपनाम जोड़कर इसे नया गुड़गांव का नाम दिया है। राजनीतिक संवेदनशीलता के केंद्र दिल्ली से इसकी निकटता के कारण सरकार ने यहां राष्ट्रीय महत्व के कुछ स्थान जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और इसका प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मुख्यालय की स्थापना यहीं पर ही हुई है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, आसपास के स्थानों से 1,00,000 से अधिक लोग काम करने के लिए मानेसर आते हैं। गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान के अनुमान के अनुसार 2022 तक यहाँ की जनसंख्या 38,00,000 हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ कई कारखाने, कार्यालय, होटल और शैक्षणिक संस्थान मौजूद है। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इस क्षेत्र के आसपास कई दर्शनीय खेल परिसर स्थित है, जिनमें से कई गुड़गांव से भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों मानेसर के बारे में और भी कुछ जाने तो, मानेसर का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेखित है तथा संस्कृत के अनुवाद किए जाने पर मानेसर का अर्थ होता है मस्तिष्क, जैसे देवता की भूमि या भगवान शिव की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों यदि मानेसर के इतिहास के बारे में जाने तो, मूल मानेसर गांव दिल्ली जयपुर राजमार्ग NH 8 पर स्थित तकरीबन 1,000 घरों का एक बसा हुआ साधारण गांव था, लेकिन 90 के शतक में उतार चढ़ाव के चढ़ते हुए यह तेजी से उन्नति करने वाला शहर में बदल गया, जहां कई विश्व स्तरीय ब्रांडों ने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित की है। इसकी उन्नति में फैक्ट्रियों को दिल्ली से बाहर करने के सरकार के कदम के साथ साथ गुड़गांव शहर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तथा तीरो विकास और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकटता तकरीबन 40 मिनट की दूरी से काफी मदद मिली है इसको। मूल मानेसर गाँव में विभिन्न समुदायों के लोग रहते, लेकिन 80% यहाँ के निवासी यादव है, जो अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध पूर्वज भगवान कृष्ण के लिए कहीं अधिक लोकप्रिय और इनका मुख्य पेशा खेती है। हालांकि आज यह दुनिया भर में आए लोगों से भर गया और आधुनिक भारत में जिस किसी पेशे के बारे में आप सोच सकते हो यहाँ मौजूद है। दोस्तों यदि बात करें कि मानेसर कैसे पहुंचे तो, मानेसर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है और इस मार्ग पर स्थानीय बसों की सेवा भी उपलब्ध है और निकटतम रेलवे स्टेशन गुड़गांव स्टेशन है। दोस्तों हरियाणा मेट्रो रेल निगम के बारे में बात करें तो, हरियाणा अपनी मेट्रो रेल सेवा का विस्तार हरियाणा में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के इलाकों में करने के लिए स्वयं का मेट्रो निगम स्थापित करने जा रही है। साथ ही यह मेट्रो रेल को मानेसर शहर तक बढ़ाने की योजना भी बना रही है।
दोस्तों इसी के चलते हुए मानेसर आज अपनी खूबसूरती तथा औद्योगिक विस्तार को लेकर पूरे विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों साथ ही आपको मानेसर शहर के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।